पुलिस लाइन के सभागार में सभी थानों के हेड मुहर्रिरों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि थानों में थानाध्यक्ष और एसएसआई के बाद मुहर्रिर थाने का मुख्य जिम्मेदार होता है और उसकी देखरेख में सारे थाने में काम काज चलता है। इस बैठक में मुहर्रिरों की गुणवत्ता पर भी जाँच की गई। कोई कागज है पिछली मीटिंगों में जो कागज डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे किसके पास है दिखाओ वहीं से दिखाइए। बैठक के बारे में मीडियाकर्मी से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया, चार आदमी थानेदार और उसके बाद अगर देखें तो जो मुंशी लोग होते हैं जो थाने में बैठते हैं और जनता से अधिकतर इन्हीं का ही आमना सामना होता है, क्योंकि थानेदार कई बार केसेस के सिलसिले में, इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में, रोड चेकिंग के सिलसिले में, रेड्स के सिलसिले में बाहर होते हैं। तो इन सभी थानों से दो दो तीन तीन मुंशीज जो हैं बुलाए गए हैं, जिनकी आज रेगुलर ब्रीफिंग है। ऐसा नहीं कि ये पहली बार है, आपने पहले भी देखा है, और इससे हमारे कामकाज में सुधार पड़ता है। इनको इनकी प्राथमिकताएं बताई जाती हैं और इनका जो एक परफॉर्मेंस जो है वो चेक किया जाता है। उसके कई मानक हैं, कई स्टैंडर्ड्स हैं, जिनके आधार पे कि भाई शिकायतें कितनी गई और लोगों की वहाँ पर क्या फीडबैक है, हमें क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं हर थाने से, उसको डिस्कस करते हुए इनको दिशा निर्देश दिए जाते हैं, जिससे पुलिस के कामकाज में और सुधार आ सके, जनता को और ज़्यादा मदद मिल सके और जन सहयोगी पुलिस का निर्माण हो सके। तीन बार मुख्यमंत्री रही और